देखना शुरू कर चुके हैं पक्की खबर। सच है तो खबर है। इस वक्त तस्वीरों में आपको दिखा पा रहा हूँ दरभंगा जिला के हायाघाट की तस्वीरें। तस्वीरों में एक भीड़ जनसैलाब आपको नजर आ रहा होगा। दरअसल बिहार में अभी बिहार सरकार नीतीश कुमार जी का, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का समाधान यात्रा चल रहा है, और समाधान यात्रा की इसी कड़ी में जब बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी अपने दरभंगा दौरे पर, मिथिला के दौरे पर, मिथिला की धरती पर जब आए, इसी कड़ी में अपने सभी स्थानों पर जहां जहां उनका शेड्यूल था, उन सब जगहों पर जाते हुए जब बात हयाघाट के मझौलिया स्थित स्कूल एवं मंदिर प्रांगण में आने की हुई, तब की तस्वीरें आपको पक्की खबर के कैमरे में काफ़ी करीब से कैद करके दिखाई जा रही है। तस्वीरों में साफ आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से जनसैलाब उमड़ पड़ा है। बिहार के सीएम यानी मुख्यमंत्री बिहार श्री नीतीश कुमार जी को देखने के लिए और उनके इस समाधान यात्रा में लोगों के हाथों में आपको गुलदस्ता और एक दिल के अंदर उत्सुकता भरी, प्यार भरा एक संदेश लेकर इस समाधान यात्रा में लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। और काफ़ी करीब से आप देखिए किस तरह से ऑफिसर्स उनके सिक्योरिटीज के बीच में, ये सामने तस्वीरों में इस वक्त आपको स्क्रीन पर श्री नीतीश कुमार जी नज़र आ रहे होंगे। बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का ये समाधान यात्रा लोगों की समस्याओं के समाधान को लेकर करीब से लोगों से मिलकर लोगों की समस्याओं को जानना मेन मकसद बताया जा रहा है। तस्वीरें इस वक्त आपको हयाघाट के मझौलिया स्थित स्कूल एवं को यहाँ स्थित एक मंदिर, जहाँ की कहानी बताई जाती है, जहाँ के बारे में बताया जाता है कि यहाँ जब मुख्यमंत्री बनने के पहले देश में थे, तब सबसे पहले यहाँ उन्होंने पूजा किया था, और यहाँ का पूजा और यहाँ की पूजा में उनका आस्था, उनका विश्वास इतना मजबूत रहा कि पहली बार यहाँ की पूजा के बाद वो बिहार के लिए मुख्यमंत्री भी बने थे, और उसके बाद अब तक बिहार में वो आठवीं बार मुख्यमंत्री के लिए शपथ भी ले चुके हैं। यहाँ तस्वीरों में आपको एक भीड़, एक जनसैलाब तो दिख ही रहा है, साथ ही दरभंगा में 12-11 जगहों पर मुख्यमंत्री अपने समाधान यात्रा में शामिल हुए, उन सभी जगहों पर इसी तरह से एक जनसैलाब देखने को मिला, और लोगों के अंदर मुख्यमंत्री से अपनी समस्याओं को सामने से रखने का एक उत्सुकता देखने को मिली। वहीं इस मौके पर मुख्यमंत्री अभी आपको इस वक्त आपको स्क्रीन पर सामने नज़र आ रहे होंगे, विकलांग लोगों से मिलते हुए, विकलांग व्यक्तियों के से उनके बारे में बात करते हुए, उनके हालात को जानते हुए, और उनसे भी काफ़ी करीब जा कर के उनकी समस्याओं को जानने का कोशिश किया और उनसे बातचीत की, जो कि तस्वीरों में आप साफ तस्वीरों में पूरी तरह से देख पा रहे हैं। इन्हीं सभी कारणों की वजह से मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का समाधान यात्रा काफ़ी चर्चे में है। बने रहे अंत तक, क्योंकि आप देख रहे हैं पक्की खबर। सच है तो खबर है। आप देख रहे थे पक्की खबर की ब्यूरो रिपोर्ट। ठीक है सर।